हम लोग यहाँ पर 4 दिसंबर को ग्रीन पार्क स्टेडियम में सामूहिक गीता पाठ होने वाला है, उसका प्रचार करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हमारा स्कूल रैली निकाल रहा है, इसी हम लोग यहाँ पर एक रैली के द्वारा प्रचार कर रहे हैं, एक हम लोग अपने बच्चों की रैली के द्वारा ये सब कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे इसलिए आए हैं क्योंकि 4 दिसंबर को ग्रीन पार्क में गीता पाठ होने वाला है, तो उसकी क्या कहते हैं रैली के लिए, उसको जागरूक करने के लिए हम लोग इधर खड़े हुए हैं। देखिए, उसका उद्देश्य ये है कि अगर जो हमारा जो पौराणिक इतिहास था, पुराना इतिहास था, भारत जो है विश्वगुरु था, अब पुनः जो है हमको राष्ट्र को हमारा काफ़ी पीछे हो गया, बीच में हमारी जो पूरे विश्व की जीडीपी का करीब 24-25% हिस्सा हुआ करता था, और जब अंग्रेज गए तो सिर्फ 1% रह गया। अब इतनी 75 सालों के बाद भी सिर्फ हम 3% जीडीपी आ गए हैं, तो पुनः हम विकसित राष्ट्र बने और हमारा जो है जो सपना है विश्वगुरु बनने का वो बने। विश्वगुरु हम तभी बनेंगे जब हमारा हर नागरिक अपना कर्तव्य निभाएगा, आलस में नहीं रहेगा, अपनी शिक्षा आगे बढ़ाएगा, अपने संस्कार आगे करेगा। पहले व्यक्ति निर्माण होगा, फिर परिवार निर्माण होगा, फिर समाज निर्माण होगा, तभी राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। तो गीता के माध्यम से हम व्यक्ति निर्माण करना चाहते हैं, परिवार समाज निर्माण करना चाहते हैं। इस प्रकार जब हमारा राष्ट्र आगे बढ़ेगा तो अपने आप विश्वगुरु बन जाएगा। और गीता ही मात्र एक ऐसा ग्रंथ है जो मानवता की बात करता है, कर्तव्य की बोध की बात करता है। तो अगर हम मानव भविष्य में कभी कोई ऐसा धर्म बनेगा जो कि मानव धर्म होगा, विभिन्न धर्म आपस में मिल जाएंगे, तो गीता ही एक ऐसी किताब है जो उसकी धर्म ग्रंथ हो सकता है। तो हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि लोग गीता में ही जीवन करें, गीता को खाली माने नहीं, उसको खाली पूजा ना करें, उसको अनुकरण करें, अपने जीवन में उतारें, तभी हमारा देश महान बनेगा। और जो हमारे जो नवयुवक हैं, खासकर छात्र हैं, उनमें जो संस्कार की बात आती तभी वो संस्कारित होंगे और देश के लिए प्रोडक्टिव होंगे। और हम बहुत ही जल्दी जो हमारा लक्ष्य है 20-25 वर्ष में पूरे विश्व का नेतृत्व करे, भारत हमारा विकसित राष्ट्र बने। धन्यवाद। यह कार्यक्रम करीब 200 जगह पर चल रहा है, पूरे जो है 200 स्थानों पर विभिन्न संस्थाएं लगा रही हैं, और ये हमारा जो मूल प्रोग्राम होगा 4 दिसंबर को गीता जयंती के दिन ग्रीन पार्क में 1,00,000 लोग सामूहिक गीता का पाठ करेंगे। उसमें हमारे नितिन भरद्वाज जी जो महाभारत सीरियल के श्रीकृष्ण बने थे वो वहाँ पर रहेंगे और एक प्ले भी करेंगे, और उनकी उपस्थिति में हर अध्याय का एक एक श्लोक का गीता पाठ होगा। ये जैसा कि विदित है, आज एक कार्यक्रम प्रस्तावित था जिसमें गीता मानव श्रृंखला एक निर्मित की जानी थी, जो पूरे कानपुर नगर में ये कार्यक्रम आज किया जा रहा है। उसी के तहत जो चमनगंज है, बजरिया सीसामऊ का जो क्षेत्र है, उसमें इस कार्यक्रम यहाँ पे जो नेतृत्व कर रहे हैं वो श्री मंजुल गोपाल जी कर रहे हैं, उनकी टीम यहाँ पे कर रही है। वाजपेयी जी हैं, शुक्ला जी, वो भी यहाँ पे लगे हुए हैं। तो निश्चित रूप से हम लोगों ने यहाँ पे पूरी व्यवस्था में अपनी हर जगह ड्यूटीज़ लगा रखी हैं और इस बात का विशेषकर ध्यान दे रहे हैं कि जो मानव श्रृंखला है ये भी अच्छे से बने और हमारी यातायात व्यवस्था वो भी किसी रूप में बाधित ना हो।